हेलो गाइस, दिस इज विजय फोटो की। आज हम बात करने वाले कुछ नए टेक्निक्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन है हटके। तो हटके में सारे हटके वीडियोस होती हैं और ये वीडियो काफ़ी हटके होने वाली है, तो आप आखिर तक बने रहिएगा। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं कि अभी तक हम कम्युनिकेट करते थे IoT जो डिवाइसेस थे उनके अंदर, अगर वाईफाई या फिर डेटा कनेक्शन हो तो ही हम कम्युनिकेट कर पाते थे अदर चीज़ों के बारे में। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियाँ निकल के आई हैं जो कि आप कह सकते हो कि कम्युनिकेट करती हैं साउंड वेव्स के थ्रू, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के थ्रू ये कम्युनिकेट करती है। इन्होंने अपनी खुद के अल्ट्रासोनिक प्रोटोकॉल डेवलप कर लिया और मैं आपको इसकी खासियत अगर मैं बताने जाऊँ तो इसे इनक्रिप्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। सबसे पहले आपको उसकी फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट करनी होती है, और अगर उसकी फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट कर लेते हो तो फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट करने के बाद फिर से उसके अंदर एक इंक्रिप्शन होता है कि जिसे ब्रेक करना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के थ्रू जब भी आप किसी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करोगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप डेटा उसका चोरी नहीं कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू जो हम आज नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या फिर हम डेटा यूज़ कर रहे हैं। तो उनके कंपेरिजन में ये काफ़ी मतलब आप कह सकते हो काफ़ी सिक्योर हो जाता है। तो एक कंपनी है सोनारैक्स करके, तो इस कंपनी ने एक अपना साउंड प्रोटोकॉल डेवलप किया, तो जिसकी मदद से आप छोटे छोटे सेंसर्स लगे हुए होते हैं और आप किसी भी स्मार्टफोन्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो किसी भी पर्सन के साथ। तो फॉर एग्जांपल एक जिम कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है एक्चुअली ग्रुप फॉर एजुकेशन इन म्यूजियम्स। तो ये सारी चीज़ें मैं लिख के रखता हूँ ताकि रेफरेंस के लिए मुझे कभी भी अगर काम पड़ती है तो ये चीज़ें काम आ जाती है और एक नॉलेज भी अपना बढ़ता है। तो ग्रुप फॉर एजुकेशन इन म्यूजियम्स के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। तो अगर आप किसी उस म्यूजियम के अंदर कोई आर्टवर्क लगाए और उस आर्टवर्क को आपका देखना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आपको एक जेम नाम का एप्लीकेशन होता है जो कि सोनारैक्स कंपनी ने डेवलप किया है और उनके सारे सेंसर्स लगे हुए हैं उस म्यूजियम के अंदर। वो आपका लोकेशन डिटेक्ट करेगा कि एग्जैक्टली आप किस आर्टवर्क के पास बैठे हुए हो या फिर खड़े हो, तो उस आर्टवर्क के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन सारी आपने स्मार्टफोन पर दे देगा। तो ये हुई एक चीज़। दूसरी चीज़, एक चैलेंज हुआ था वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स का, तो जिसके अंदर स्टिमशॉप्स ने अपना एक प्रोटोकॉल यूज़ करके काफ़ी एक सिक्योर सा कम्युनिकेशन डिवाइस बनाया था, तो जिसके अंदर आप जियो लोकेशन कम्युनिकेशन डिटेक्शन ऑथेंटिकेशन ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो और ई पेमेंट्स भी काफ़ी इसके अंदर सिक्योर होता है। साथ में आप इस प्रोटोकॉल को यूज़ करके कोई भी साउंड सिस्टम को कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर, वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर टर्न कर सकते हो। मतलब आपके घर में अगर एक स्पीकर, मान लो कि एक स्पीकर आपने रखा हुआ है, अपना एक खुद का साउंड सिस्टम है, तो आप उसे एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें निकल के आती हैं। साथ में एक कंपनी है EDF एनर्जी, तो जो कि एक चर्प का साउंड प्रोटोकॉल यूज़ करती है, CHIRP जिसका स्पेल है। तो चर्प कंपनी का एक प्रोटोकॉल यूज़ करके ये अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस बना चुका है, एक ऑथेंटिकेशन डिवाइस बना चुका है। तो चर्प कंपनी का और एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट Azure के अंदर, तो जिसके अंदर आप एक सिक्योर क्विकली ऑथेंटिकेशन कर सकते हो यूजिंग सोनिक QR कोड। तो आप कह सकते हो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि ये काफ़ी सिक्योर है, लेकिन कुछ इसके अंदर खामियां भी हैं कि 100 meters के ऊपर जब भी अल्ट्रासोनिक वेव जाती है तो वह हार्मफुल हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सारे इंडियंस, सारे IITians के लिए और सारे IoT कंपनी में जो काम कर रहे हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, तो आप एक ग्रुप बना लो अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। तो अगर इंडिया में ये सारी चीज़ें अगर होना शुरू हो जाए तो आई थिंक हम इतने कैपेबल हैं कि ये सारी चीज़ें डेवलप कर सके और इनका मास प्रोडक्शन कर सके। तो पेरिस के अंदर ये सारा काम हो रहा है, लंदन के अंदर ये सारा काम हो रहा है, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनीज है जो उसके अंदर काम कर रही है, अमेरिका के अंदर बहुत सारी कंपनीज है और हम इतने सारे इंडियंस हैं कि इन सारे लोगों का हम इजीली पछाड़ सकते हैं। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को शेयर भी करना, इसके रिलेटेड अगर आप काम कर सकते हो तो जल्दी से काम करना शुरू कर देना, एंड मैं कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस चीज़ के बारे में एक बात बता दूँ कि अगर आपको आप मान लो किसी खदान के अंदर हो, मतलब कोयला निकाला जा रहा है किसी खदान के अंदर से या फिर सोना निकाला जा रहा है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए आप डेटा या फिर वाईफाई नहीं यूज़ कर सकते, तो वहाँ पे ये भी डिवाइसेस काम कर सकते हैं। तो जिसके अंदर से आप जियो लोकेशन भी ले सकते हो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जो कि अंदर जा चुका है,
या फिर उसके साथ आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन रख सकते हो विदाउट डेटा एंड वाईफाई। तो हम ह्यूमंस के लिए रिसर्च काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना है, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।